अब ईयरली बेसिस में जो आपको करंट अफेयर्स की मैक्सिम्स दी जाती हैं, आपको इस पैटर्न में दी जाएंगी या आपकी। हाय, माय सेल्फ युक्ति, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद प्लूटस आईएएस एज अ करियर साइकोलॉजिस्ट। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स को आपको प्रॉपर कैसे एनालिसिस करना है, कि कौन से करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड प्लूटस आईएएस आपको करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन सी मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं, क्लास का क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है। सो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन यूपीएससी। तो करंट अफेयर्स को जो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, ये नहीं कि आप पूरे वीकली जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा या वो आपके लिए रिलेवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूरे वीक में 20 या 25 करंट अफेयर्स भी पढ़े हैं, तो उसमें से भी आपके होंगे तो 5 to 6 करंट अफेयर्स होंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसी चीज़ को, आपका एक जो टाइम लगेगा उस करंट अफेयर्स को एनालिसिस करने में, इसी चीज़ को कम करने के लिए प्लूटस आईएएस जो आपको प्रोवाइड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका रहेगा, हम डेली बेसिस में स्टूडेंट को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं एज अ पीडीएफ फॉर्म में। एंड वीकली आपके डिस्कशंस होंगे करंट अफेयर क्लासेस के, जो सैटरडे बेसिस में रहते हैं, जो पूरे वीक में जो प्रॉपर रेलिवेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनका डिस्कशंस होगा आपका सैटरडे बेसिस में। प्लस आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो मंथली बेसिस करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं, जो आपकी प्रॉपर कंपाइल्ड होती है। कंपाइल्ड जो आपकी रहेगी वो योजना मैगजीन्स हो गई, कुरुक्षेत्र की जो मैगजीन्स होती है, जो बहुत मोस्ट रिकमेंडेड मैगजीन्स होती है, उन सबका प्रॉपर कंपाइल्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस हो गया, उन सबका, जैसे ई टाइप्स हो गया, उन सबका जो आपका रहेगा वो मंथली मैगजीन्स में रहता है। मंथली मैगजीन्स जो आपकी रहती है वो इस पैटर्न में रहेंगी, प्रॉपर आपका कंपाइल्ड रहेगा, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस का, ई टाइम्स का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये आपको मंथली बेसिस में मिलेंगे। अब ईयरली बेसिस में जो आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स दी जाती हैं, आपको इस पैटर्न में दी जाएंगी, ये आपकी प्रॉपर ईयरली बेसिस मैगजीन्स होती है, जो आपको पूरे साल में 3 पार्ट में मिलेंगी, Part 1, Part 2 and Part 3। वो आपके पूरे साल के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनका प्रॉपर कंपाइल्ड रहेगा। कि एक देखो, एग्जाम देने जब आप जाओगे तो ऐसा तो नहीं है आप वीकली मंथली आप देखोगे, आपको एक सेपरेट प्रॉपर एक बुक के फॉर्म में चाहिए होगा। तो मंथली बेसिस में जो मार्क्सिंग्स आपकी रहेंगी वो इस पैटर्न में रहेंगी, जिसमें आपके फॉर एग्जांपल कोई लॉ आया, उसमें अमेंडमेंट्स आएंगे, तो उसके चेंजेस जो रहेंगे, जो अपडेशंस रहेगा, इम्प्लीमेंटेशंस रहेगा, वो आपकी इस ईयरली मार्क्सिंग्स में रहेगा। तो प्लूटस आईएएस आपको मंथली, ईयरली, वीकली क्लासेस एंड डेली बेसिस में करंट अफेयर्स का प्रॉपर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखो, कंटेंट कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ, अगर कुछ चीज़ें चेंजेस आते हैं वो जस्ट आपके करंट अफेयर्स में चेंजेस आते हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें प्लूटस आईएएस प्रोवाइड करेगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।